हिंदुस्तान में उतरा, फौरन मलकुल मौत आए और उसकी रूह को कब्ज कर लिया और उसे मौत आ गई, वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। फिर हकीम ने अपने बेटों को दी और कहा, दो चीज़ों को कभी मत भूलना, एक तो अपने रब को कभी मत भूलना और दूसरा कभी मौत को नहीं भूलना। हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, आपके पास एक इंसान आ गया, बैठ गया, एक शख्स बैठ गया, इतनी देर में मलकुल मौत एक आदमी की शक्ल में, इंसानी शक्ल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए और वो बार बार घूर घूर के उस इंसान को देख रहे थे। जब मलकुल मौत वापस चले गए तो वो इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि हजरत ये कौन थे? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मलकुल मौत थे। कहा, ये मुझे घूर घूर के देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी रूह कब्ज करने वाले हैं, मैं डर रहा हूँ। हुजूर, आप मुझे ऐसा करें, हवाओं को हुक्म दें कि मुझे हिंदुस्तान भेज दें, हवाओं को आप हुक्म दें कि मुझे फौरन अभी यहाँ से उठा के हिंदुस्तान पहुँचा दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया, हवाओं ने उस इंसान को उठाया और हिंदुस्तान छोड़ दिया, हिंदुस्तान जाके रख दिया। अब वो इंसान जैसे हिंदुस्तान में उतरा, फौरन मलकुल मौत आए और उसकी रूह को कब्ज कर लिया और उसे मौत आ गई, वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। फिर मलकुल मौत एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछने लगे, तो मलकुल मौत कहने लगे कि मुझे हुक्म हुआ था कि इस इंसान की रूह कब्ज करना है, इतने इतने टाइम, इतने इतने वक्त इसकी रूह कब्ज करना है, लेकिन मैंने इसे आपके पास देखा तो मैं सोचने लगा ये यहाँ बैठा है और इसकी रूह तो हिंदुस्तान में निकालनी है। तो अल्लाह ताला वैसे ही बंदे के दिल में भी डाल देता है, क्योंकि मौत पक्की है, मौत अटल है। जब इंसान की मौत आती है ना तो वो खुद वहीं पहुंच जाता है जहां उसकी मौत लिखी हुई होती है। किसी की मौत कहीं लिखी होती है, किसी की कहीं लिखी होती है। आज हम यहां हिंदुस्तान में बरेली में हैं तो हो सकता है बरेली में ही मौत लिखी हो, और अगर लखीमपुर लिखी होगी तो अल्लाह जहन में डाल देगा और लखीमपुर ही पहुँच जाएंगे तो मौत आएगी। चटिया लिखी होगी तो अल्लाह जहन में डाल देगा, जब चटिया पहुँचेंगे तभी मौत आएगी। हाँ, तो जिसकी मौत जहाँ लिखी होती है इंसान वहाँ खुद पहुँच जाता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इमाम बाकर सादिक ने अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक को पांच बातों के लिए रोका कि पांच लोगों से दोस्ती मत करना। किससे? एक तो बेवकूफ़ से दोस्ती नहीं करना, दूसरा झूठे से दोस्ती नहीं करना, तीसरा फासिक आदमी से दोस्ती नहीं करना, जो अलल ऐलान गुनाह करता है उससे कभी दोस्ती नहीं करना। बेटा, जब वो अलल ऐलान गुनाह करता है, अल्लाह से बगावत करता है, जब वो अल्लाह का नहीं हो सकता तो तेरा कैसे हो सकता है? बेटा, उससे कभी दोस्ती नहीं करना। और फरमाया चौथा, बखील, बखील आदमी से कभी दोस्ती नहीं करना, इसलिए कि अगर तुम्हें कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और तुम उससे कहोगे तो वो हाथ ऊंचा कर लेगा और ना देने के तरह तरह के बहाने बनाएगा। तो बखील आदमी से कभी दोस्ती नहीं करना। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर, और सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, लोगों से करीब। हाँ, उलमा फरमाते हैं कि बखील वो है जो खुद खाए और दूसरों को ना खिलाए, सखी वो है जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, और जूद वो है जो खुद भूखा रहे और दूसरों को खिलाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जूद व करम का क्या कहना? आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूद व करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में जाते हैं, लोग कहते हैं हजरत हातिम ताई बड़ा ही सखी आदमी था, उसके 10 दरवाजे थे, एक ही फ़कीर 10 दरवाज़ों पर बार बार आता तो वो बार बार नवाजता, बार बार उसे देता, और ये भी नहीं पूछता कि तू पहले दरवाजे पर आया है, तो पहले भीख ले चुका है, तो पहले यहाँ से खैरात ले चुका है। हजरत अली फरमाते, मैं इसे कंजूसी कहूँगा, मैं इसे सखावत नहीं कहूँगा, ये तो कंजूसी हुई कि जब वो पहले दरवाजे पर लेने गया तो उसका पेट नहीं भरा, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो 10 दरवाज़ों पर बार बार जा रहा है और बार बार मांग रहा है। अगर तुम्हें सखावत देखनी है ना तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देखो कि अगर एक बार आपसे किसी ने सवाल किया तो आपने इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया कि पूरी ज़िंदगी उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावतें हैं। फिर हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पाँचवा वो शख्स कि जो जल्दी रिश्तेदारी तोड़ देता है। थोड़ी सी बात हो गई, रिश्तेदारी तोड़ दी,
जरा सी बात में रिश्ता नाता सब खत्म कर देता है। तो बेटे उससे कभी दोस्ती मत करना जो जल्दी से रिश्ता तोड़ देता हो, जल्दी रिश्ता नाता खत्म कर देता हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नसीहत कीजिए, आपस में एक दूसरे को नसीहत कीजिए, लेकिन आज का माहौल ये ऐसा हो गया है कि अगर किसी को कोई नसीहत करता है ना, कुछ अच्छी बात बताता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है ये मुझसे जल रहा है, ये मुझसे हसद कर रहा है, इसकी बिना पर ये मुझे ऐसी बात कह रहा है। लेकिन दूसरा उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको नसीहत करने की कोशिश करता है कि काश कि ये समझ जाता तो ये इसके लिए अच्छा होता, लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। एक शख्स